हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 14, यानी कि क्षेत्र मिति का भाग 14 को देखेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर्कल के। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक स्पेशल टाइप के ही क्वेश्चंस देखेंगे, उसका ट्रिकी अप्रोच देखेंगे, उस तरह के क्वेश्चंस को अपन कैसे डील करते हैं। एसएससी सीजीएल यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देते हैं, जैसे कि किस तरह के क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में, कि तीन सर्कल दिया गया है, तीनों सर्कल आपस में टच कर रहा है, तो उस तीनों सर्कल के बीच में जो फ्री एरिया बचता है आपसे पूछ लिया जाता है कि उस एरिया का या उस रीजन का जो आपका क्षेत्रफल यानी कि एरिया होगा वो कितना होगा। तो उस तरह के आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे और ट्रिकी अप्रोच के साथ डिस्कस करेंगे कि उस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। तो चलिए उसको देखते हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पार्ट वन से ज़रूर देखना शुरू कीजिए। मेरे वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये एसएससी सीजीएल के द्वारा आपको पूछा गया क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि थ्री सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस आर सेंटीमीटर टचेज ईच अदर। ओके, तीन सर्कल है, सबका रेडियस आर सेंटीमीटर दिया गया है, जो तीनों एक दूसरे को टच करता है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी कि ए वाला जो एरिया है शेडेड रीजन, इस एरिया का आपको, इस रीजन का, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। इसको कैसे अपन इस तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे? सपोज इसका आपने सेंटर ले लिया ए, इसका सेंटर बी और इसका सेंटर सी। अब एक चीज आपको गौर करना है कि सारे सर्कल का रेडियस आर आर दिया गया है, तो ए भी आर, आर 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 और आर हो गया। अब आपको एक चीज देना है कि जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? जब आप ए ट्रायंगल एबीसी के एरिया में से तीन सेक्टर जो आपका बन रहा है, ए वाला सेक्टर, ए वाला सेक्टर और ए वाला सेक्टर का एरिया आप निकाल देंगे ट्रायंगल के एरिया में से, घटा देंगे तो आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो अब देखिए ट्रायंगल एबीसी जो है, ट्रायंगल एबीसी क्या आ गया? ट्रायंगल एबीसी जो है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, समबाहु त्रिभुज आ गया। कैसे संभव होगा? क्योंकि देखिए ए साइड भी इसका 2r हो गया, ए साइड भी इसका 2r हो गया और ए वाला साइड भी 2r हो गया। तीनों साइड इक्वल होंगे तो ये त्रिभुज क्या होंगे? आपको समबाहु त्रिभुज होंगे। तो ट्रायंगल का एरिया आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट अंडर 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है आपका? 2r के बराबर है, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर। 4 कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया? अंडर रूट 3r स्क्वायर। तो ये आपका ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब देखिए चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल्स कितने के बराबर होंगे? सारे एंगल्स आपको 60-60 के बराबर होगा, तो 60 डिग्री के बराबर हो गया। तो आपके पास तीन सेक्टर बन रहे हैं, ए आपका एक ट्रायंगल में 60 डिग्री, दूसरे ट्रायंगल में 60 डिग्री और तीसरे ट्रायंगल में 60 डिग्री। इस तरह से जो आपका सेक्टर बन रहा है 60-60 का, तो टोटल कितने का हो जाएगा? एक हाफ सर्कल फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? तीन सेक्टर को आप यदि मिलाएंगे, देखिए यहाँ पे एक हाफ सर्कल मैं आपको बना के दे रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ए आपका 60 डिग्री बन रहा है, फिर ए आपका 60 डिग्री बन रहा है और ए आपका 60 डिग्री बन रहा है, तो तीनों सेक्टर को जोड़ेंगे तो एक आपका सेमी सर्कल बनेगा। तीनों सर्कल को जोड़ेंगे क्योंकि 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री आपको 180 डिग्री बन रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि सेमी सर्कल का, ये तीनों सेक्टर मिलकर के एक सेमी सर्कल का निर्माण करेगा। तो अब आप देखिए सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? आप सेमी सर्कल बोलिए या नहीं बोलने का मन है, तो चलिए तीन ऐसा सेक्टर है जो सेम होगा, इनटू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा कितना है? 60 बाई 360, यानी कि 1/6 होगा। ये देखिए तीन से दो टाइम्स जाएगा, आपको इसका एरिया क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्या ये सेमी सर्कल का एरिया है कि नहीं है? ऑब्वियसली सेमी सर्कल का एरिया है, तो डायरेक्ट आप पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। तो अब आपका शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो आपको रूट 3r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा।
अब इसमें से आर स्क्वायर कॉमन यदि आप ले लेते हैं तो बच क्या जाएगा, रूट थ्री माइनस पाई बाई टू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूट थ्री माइनस पाई बाई टू, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हर जगह पे है आर स्क्वायर, तो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। बट इसके लिए मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ के यदि कुछ बताऊं ट्रिक, तो उसका ट्रिक क्या होगा उस देखिए आप लोग। तो आपने शेडेड रीजन का एरिया निकाल लिया क्या, रूट थ्री माइनस पाई बाई टू आर स्क्वायर। यदि चलिए इसको और मॉडिफाई करें, डेसिमल में लेकर के आए तो क्या आ जाएगा, 1.732 माइनस पाई का वैल्यू 3.14 होता है, जिसको दो से डिवाइड करेंगे तो 1.57 आर स्क्वायर आ जाएगा। यदि इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 2, 13 में से 7 गया 6, ये बच गया 6, 6 में से 5 गया 1, 1, 1, 0, मतलब 0.162 आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इसको फ्रैक्शन का फॉर्म दे, यदि आप इसको रेशनल नंबर का फॉर्म दे तो किस कितना हो जाएगा, यदि आप इसको 0.162 4/25 आर स्क्वायर इसको लिखेंगे तो देखिए 4/25 कितना आ रहा है, 0.25 से कहीं 25, 15 बचेगा, 25 × 150, 0.16 आ रहा है, जो कि 0.162 के बहुत ही करीब है। तो आप इसको याद रख सकते हैं 4/25 आर स्क्वायर से जो शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा शेडेड रीजन का एरिया यानी कि ए वाला रीजन का एरिया 4/25 आर स्क्वायर। बट आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो इससे 4/25 आर स्क्वायर से जो आपका आंसर आएगा उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर का आंसर होगा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे जो वैल्यू आया था 0.162 आया था, लेकिन 4/2 जो होता है 4/25 ये आपको 0.16 होता है। तो जो भी इसका आंसर आपको इस फॉर्मूला से आए उसको जस्ट थोड़ा सा बढ़ाएं, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा सा बढ़ा हुआ आंसर जो होगा उसको आप टिक कर देंगे। वैसे इस क्वेश्चन के लिए मेरे एक एस्पायरेंट्स हैं एसएससी सीजीएल के जो फेसबुक ग्रुप के एस्पायरेंट्स हैं, उन्होंने बताया था कि नहीं सर इसका आंसर होता है 3/20 आर स्क्वायर। अब आप 3/20 को करेंगे 0.15 आएगा, तो अब बताइए कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, 3/20 वाला ज़्यादा एक्यूरेट है या 4/25 ज़्यादा एक्यूरेट है। 4/25 आपको 0.16 दे रहा है, बट 3/20 जो है 0.15 दे रहा है, तो एक क्वेश्चन नहीं होगा। और एक वीडियो का उन्होंने स्नैपशॉट भेजा था जहाँ पर उन्होंने दो क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला से यूज करके बनाया था। अब आपको बता दूं 3/20 जब भी आप लेंगे आपको आंसर जब भी क्लोज में यदि ऑप्शन दे दिया ये हमेशा गलत आंसर देगा। एक तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा गंध फैला हुआ है, कोई भी लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं चाहे वो सही हो, कम से कम एक बार क्रॉस वेरीफाई तो कर लेता, जो भी लोग यूज कर रहे हैं 3/20 क्रॉस वेरीफाई तो कर लेता, ये 0.15 देगा और आपका एग्जैक्ट आना चाहिए 0.162 आना चाहिए, तो ये तो नहीं लेना चाहिए, ये वाला वैल्यू आपको बराबर आंसर गलत देगा, जब भी आपको ऑप्शन थोड़ा क्लोज कर देगा इससे आपको आंसर जो है गलत आ जाएगा। तो इस पे आप मत जाइए, आप याद रखिए 4/25 आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को याद रख के आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू 4/25 आर स्क्वायर होगा, ओके। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पे और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, ये आपका कैट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत पहले 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। थ्री सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट ईच सर्कल टचेज द अदर टू, द एरिया ऑफ द पोर्सन इनक्लोज्ड बाई द सर्कल इज वॉट। अगेन आपको शेडेड रीजन का एरिया पूछा गया है, रेडियस 3.5 दिया गया है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बट रेडियस कितना है, 3.5 दिया गया है। शेडेड रीजन का एरिया के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, 4/25 इंटू आर स्क्वायर, ओके 4/25 आर स्क्वायर, 3.5 रेडियस दिया गया है, तो इसका एरिया सॉरी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12.25। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना इजीली सॉल्व करेंगे, ये आपको 49 टाइम्स जाएगा, 49 इंटू 4 आ जाएगा,
196 बाई 100 कितना आ जाएगा, 1.96 आ जाएगा। 1.96 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आपको लेना है। देखिए ऑप्शन ए ही आपको आंसर दे रहा है, 1.967 है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वैल्यू है, तो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। यदि इसको आप ट्रेडिशनली सॉल्व करेंगे, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर तीनों सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको एटलीस्ट 50 to 60 सेकेंड इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में लग ही जाएंगे। जैसे ही ए वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, बहुत ईजिली सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, 3 circles of radius 2 cm, चलिए सारे का रेडियस 2 cm दिया गया है, आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट ईच सर्कल टचेज द अदर टू, द एरिया ऑफ द पोर्शन इनक्लोज्ड बाय सर्कल इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि ए वाला पोर्शन का एरिया पाई के फॉर्म में। अब आपको शेडेड रीजन का एरिया के लिए क्या बताया था, 4/25 r² या √3। √3 कैसे याद रखना है कि √3 होता है वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में √3 आता है, उसमें से आप घटाते हैं सेक्टर का एरिया, तो सेक्टर का एरिया पाई के फॉर्म में होगा, तो चूंकि ये सेमी सर्कल बनता है तो π/2 और r² होता है। सेम फॉर्मूला लगाइए, देखिए √3 - π/2 इंटू आर, आर कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 4√3 - 2π, तो इसका एरिया जो है शेडेड रीजन का कितना आया, 4√3 - 2π। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। 4√3 - 2π² विल बी द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ओके, यदि आपसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन में यदि आपका डेसिमल वैल्यू रहता तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे, 4/25 × r² से, 4/25 r² का वैल्यू 4। अब 16/25 आपको करना है, ये कितना आ जाएगा 0. इसको आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 × 150, 10 बच गया 4, यानी कि 0.64 cm² इसका डेसिमल में आंसर होता, बट आपसे पूछा इन टर्म्स ऑफ पाई तो 4√3 - 2π होगा। यदि आप इसको सेटिस्फाई कराना चाह रहे हैं तो 4.1732 - 3.14 का दोना कितना हो जाएगा, 6.28 हो जाएगा। ओके, अब इसको आप करेंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, 1 + 29 इस ढंग से आप लेंगे तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। ओके, क्या आंसर आएगा, 29 आया, 4 × 4 = 2, 6, 6.928 में से आपको 6.28 घटाना है, ये 8 आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4, ये आ गया 9, 9 मतलब 8 बच गया, 8 में से 2 गया 6, 0.648। अब आपको बताएं कि इस वाले चीज से जो वैल्यू आता है उसको जस्ट थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो जो एग्जैक्ट आंसर दे देगा, तो देख लीजिए आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोला है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज 173.2 cm² विथ ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स सपोज ए है, बी है, सी है, विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एट सेंटर अ सर्कल इज ड्रन। अब देखिए इस ट्रायंगल के सारे वर्टेक्स को लेकर के एक सर्कल ड्रन किया जाता है विथ रेडियस इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। अब क्या बोला है कि रेडियस उतना लेता है जितना कि साइड जो है ट्रायंगल का उसके आधा को लेकर के, तो ये अब सेम पैटर्न है, ए वी आर, ए वी आर, और टोटल क्या होता था इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, सॉरी साइड 2r होता था, तो सेम पैटर्न है। आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब देखिए इस केस में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे दिया गया है, तो आपको r पता नहीं है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है वहां से इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड निकाल लेंगे, और साइड जैसे ही निकला तो आप वहां से फिर रेडियस निकाल सकते हैं। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको कितना दिया गया है, 173.2। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 × √3 का वैल्यू 1.732/4 × √3 यानी कि साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 173.2। अब यहाँ से डेसिमल घटाएंगे, 1 10 यहाँ आ जाएगा, इसके डेसिमल को घटाएंगे 1000 आ जाएगा। देखिए ये दोनों चीज़ कट गया, अब
टेन से थाउजेंड का एक जीरो कट गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो ए का जो वैल्यू आ गया वो 20 आ गया। तो ए क्या है, साइड जो है ए 20 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आपका 10 आ जाएगा, रेडियस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, 4/25 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 100। ओके, अब देखिए 25 से 100 को काटिए, चार टाइम्स जाएगा, यानी कि जो एरिया आया वो आपका 16 आया। अब 16 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा आपको ऑप्शन चूज करना है, ए नहीं होगा, 16.12, यानी कि ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आई होप ये वाला ट्रिकी क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। यदि आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, हार्डवर्क कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए। कुछ कमेंट फीडबैक हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या ऐसे ही जो है वर्बली बोल करके भी। और आपके लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपके जितने भी डाउट्स हो आप वहाँ पर आकर के पूछ सकते हैं। ऑलरेडी 1300 मेंबर्स हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, आपके जो भी डाउट्स हो या जो लोग अपना डाउट्स पोस्ट करते हैं आप एक दूसरों की मदद कर सकते हैं। वैसे उस ग्रुप का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके इजीली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।